Good morning, students. So today we are going to start our word problem based on morning. Morning के जो word problem है उसको आज हम करेंगे exercise 37 में. तो look upon your book 150 पेज. Then read the question carefully. So Minu purchase a doll for rupees 85.50 का मतलब क्या है? 85 रुपीज 50 पाइस. मीनू एक डॉल खरीदा, मार्केट गया और वहां पे एक डॉल खरीदा. तो डॉल कितना था? 85 रुपीज 50 पाइस का डॉल था. पहले लिख देते हैं डॉल प्राइस. प्राइस का मतलब क्या है? दाम कितना था? 85.50 रुपीज. नेक्स्ट आओ पढ़ो. ड्रम फॉर इतना रुपीज. ड्रम एक खरीदा. क्या खरीदा? ड्रम खरीदा. ड्रम का प्राइस कितना था? 117 रुपीज 75 पाइस. 117 रुपीज 75 पाइस. ओके, सिंबल क्यों यूज हो रहा है, दिख रहे हो? फ्रॉम ए टॉय शॉप. टॉय शॉप में गया मीनू और एक डॉल खरीदा 85 रुपीज 50 पाइस का. देन एक ड्रम खरीदा 117 रुपीज 75 पाइस का. सो हाउ मच डिड शी स्पेंड. तो उसको टोटल कितना पैसा वो स्पेंड किया, कितना पैसा देना पड़ा ये टॉय शॉप को, कितना पैसा देना पड़ा. आराम से ये क्या होगा रे? मल्टीप्लिकेशन. कौन बोला है मल्टीप्लिकेशन? मारूंगा था पढ़ देने. मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा? आडिशन होगा. क्या होगा? आडिशन नहीं होगा. गया मार्केट, तुम जाओगे मार्केट, जाओगे चॉकलेट एक खरीदोगे 5 रुपीज में, कुरकुरे 5 रुपीज में करोगे, कितना पैसा दोगे? तो कैसे पता चलेगा? 5 + 5 = 10. तो यहाँ पे वो सेम है नहीं, तो एडिशन होगा. अभी एडिशन करो. मैं बताया था रुपीज कलम करना है और पाइस कलम करना है, वो सेम तरीका है. ओके, तो यहाँ पे लिखो रुपीज कौन सी वाला बड़ा है? ये है 117 75. ऐसा नहीं तो उसके बाद 85, यहाँ पे 85 लिखा है नहीं, 85 और 50. तो अभी इसको प्लस करो. 5 7 5 12 1 7 5 12 + 1 13, यहाँ पे 1 1 1 2 2 + 8 10, यहाँ पे 1 2. तो हमारा आंसर हैंड्स में क्या आएगा? बताया था हाउ मच डिड सी स्पेंड. तो सी स्पेंड कितना? 203.25 पाइस. तो इसको लिख दोगे तो पाइस रुपीज कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसको दिखेगा तो जो भी दिखेगा वो बोलेगा नहीं ये 203 रुपीज 25 पाइस बोलेंगे. समझ आ गया? वन नंबर. कोई दिक्कत है क्या? नहीं, इससे पे एडिशन था, मैं एडिशन लिख रहा क्या. ओके, देन स्टूडेंट टू नंबर क्वेश्चन पढ़ो. ऑन हर बर्थडे पिंकी गॉट रुपीज 101.50 फ्रॉम हर मदर. जो पिंकी का बर्थडे था, पिंकी का गॉट का मतलब क्या? मिला. कितना रुपीज मिला? 101.50 रुपीज 50 पाइस. किससे मिला? उसके मदर से मिला. मदर से कितना मिला? 101.50 रुपीज मदर उसको दिए. देखो मैं यहाँ पे सिर्फ ड्रॉप में करता हूँ, पूरा डायरेक्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि पूरा सेम है. एडिशन या सब्सट्रैक्शन में बता देता हूँ. जो दिया गया है उसको लिख दो, एडिशन है सब्सट्रैक्शन है करो. अगर एडिशन है एडिशन करो, सब्सट्रैक्शन है तो सब्सट्रैक्शन करो, मल्टीप्लिकेशन करो और लास्ट में हैंड्स लिखो. ये है उसका मेथड. तो इसलिए मैं बता देता हूँ एडिशन होगा सब्सट्रैक्शन होगा. मदर कितना रुपीज दिए? 101.50 मदर दिए. देन 98.75 सिस्टर. सिस्टर कितना दिए? 98.75. हाउ मच मनी डिड सी गेट इन ऑल. तो टोटल उसको कितना पैसा मिला, कितना पैसा उसको मिला. तो ये क्या होगा? एडिशन होगा. तो एडिशन क्या करोगे? कैसे? रुपीज कलम करोगे एंड पाइस कलम करोगे. कौन सी वाला बड़ा? ये है 101.50 पाइस कलम में रहेगा.
ये 98 75 रहेगा, ये R कर दोगे तो हो जाएगा। लास्ट में हैंड्स कहाँ पे लिखोगे, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क। समझ आ गया या नहीं समझ आया? देन देखो थ्री नंबर क्वेश्चन, सुनीता परचेज अ चेन फॉर इतना रुपीज, रिबन फॉर इतना रुपीज, बैंगल्स फॉर इतना रुपीज, तो हाउ मच मनी डिड शी स्पेंड ऑन। ये प्रश्न में तीन ठो को एडिशन करना पड़ेगा, जो दिया गया है लिस्ट को लिख दो और तीन ठो को एडिशन करना पड़ेगा। फोर नंबर भी वो सेम है, नंदिनी इतना भी, फिर फाइव नंबर भी वो सेम है एडिशन, फाइव नंबर भी एडिशन। सिक्स नंबर, विक्रम ब्रॉट स्टाम्प फॉर इतना रुपीज एट द पोस्ट ऑफिस, विक्रम गया पोस्ट ऑफिस और एक स्टाम्प खरीदा कितना रुपीज का, 29.65 रुपीज का, एंड पेड फॉर इट 50 रुपीज कॉइन, और वो स्टाम्प होल्डर को क्या 50 रुपीज का कॉइन दे दिया, तो ज्यादा पैसा दे दिया। चीज का दाम 29.65 रुपीज था, लेकिन उसको 50 पाइस का एक नोट दे दिया, तो हाउ मच मनी डिड सी गेट बैक, तो वो कितना मनी मिलेगा उसको रिटर्न में, कैसे लौटाएगा या नहीं, वो दुकानदार लौटाएगा या नहीं, पोस्ट ऑफिस वाला लौटाएंगे या नहीं उसको पैसा, क्योंकि ज्यादा पैसा दे दिया, तो कितना पैसा लौटाएंगे। तुम गए दुकान में, कुरकुरी का दाम था 5 रुपीज, तुम दिए 10 रुपीज का कॉइन, तो वो शॉपकीपर तुम्हें कितना रुपीज लौटा देगा, 5 रुपीज। कैसे पता चला, 10-5 किया, तो ये 6 नंबर भी वो सेम है, तो 6 नंबर क्या होगा, सब्सट्रैक्शन होगा, क्या होगा, सब्सट्रैक्शन होगा, सब्सट्रैक्शन होगा, 6 नंबर क्या होगा, सब्सट्रैक्शन होगा। तो मेथड तो बताया था जैसे करना है। द रेणुका वेंट फॉर शॉपिंग 7 नंबर With 70 rupees 73 in her purse. Purse में कितना रुपीज था, 730 रुपीज था। When she came back after shopping, she was left with 35.65. जब वो घर लौटा तो दिखा तो उसके पास कितना रुपीज ओनली बचा है, 65 rupees 65 pais बचा है, तो हाउ मच डिड ही स्पेंड शॉपकीपर, तो कितना पैसा वो खर्चा किया, वो भी सब्सट्रैक्शन होगा, क्योंकि लेके गया था 730 रुपीज लेके गया था, और लौट आके दिखा कि ओनली उसके पास 35 rupees 65 pais है, तो बाकी सब पैसा कहाँ गया, वो खर्च कर दिया, तो बाकी सब पैसा कैसे पता चलेगा, माइनस करने से पता चलेगा। तो 8 नंबर 9 नंबर भी हो जाएगा, 10 नंबर में करता हूँ। पंकज हार 400 बैंक अकाउंट, उसका पंकज का बैंक अकाउंट में कितना पैसा था, इतना पैसा था। ही विथड्रॉ मतलब उठा लिया, कितना रुपीज उठा लिया, इतना रुपीज उठा लिया, तो बैंक अकाउंट में कितना था, उसका बैंक अकाउंट में था 403 रुपीज। कितना उठा दिया, विथड्रॉ किया 249.45 rupees 45 paisa लौट क्या उठा दिया था, बट इज बैलेंस ऑफ हिज अकाउंट, उसके अकाउंट में और कितना पैसा रहा, तो ये ऑब्वियसली माइनस होगा, तो कैसे करेंगे, रुपीज कॉलम देन पाइस कॉलम। रुपीज कॉलम में क्या आएगा, पहला कितना पैसा था, इतना पैसा था तो बड़े वाला कौन सा वाला, ये है इतना रुपीज है, पैसा तो कुछ नहीं है तो 0-0 लिखोगे, पैसा नहीं है तो 0-0 लिखोगे, तो भूल हो जाएगा। विथड्रॉ किया कितना के 249 पे नहीं, और कितना पैसा 45 पैसा, अभी माइनस करो, अगर हम यहाँ पे 0-0 नहीं लिखेंगे तो ये भूल हो जाएगा, नहीं भूल हो जाएगा, यहाँ पे 0-0 क्योंकि पैसा कुछ नहीं था, तो यहाँ पे और माइनस कर दोगे तो आ जाएगा, और वाटिज में जो आंसर को बिठा दोगे और है आंसर लिखोगे। तो मैं आशा करता हूँ कि तुम्हारा ये एक्सरसाइज पूरा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत ईजी है। ओके, ये बहुत इजी है। अगर कोई दिक्कत आया तो मुझे बता सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मनी का मल्टीप्लिकेशन, तो टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।